नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपनो अपने यूट्यूब चैनल वीएस एजुकेशन में। तो मित्रों, गुजराती साहित्य की सफरे नवा नवा साहित्यकारों भणता जाइए, जीवन में याद रखता जाइए और परीक्षा में अपनो एक एक मार्क पापो करता जाइए। तो तेमाना आज एक नवा साहित्यकार जेनु नाम त्रिभुवन दास पुरुषोत्तम दास लोहार, जेने आपणे सुंदरम कही, एवा आपणा साहित्यकार त्रिभुवन दास पुरुषोत्तम दास लोहार, जेन उपनाम सुंदरम है, त्रिशूल है, बराबर जोई आपणे एकदम डिटेल में। जन्म थाय छे 1908 में अने अवसान थाय 1991 में। पण जन्म क्या था है? तो के मिया दातार, बराबर मिया दातार नामनो स्थल क्या आवेलू है? भरूच मा, याद राखजो। त्रिभुवन दास पुरुषोत्तम दास लोहार नो जन्म क्या था है? तो के भरूच मा, बराबर लखी नाखु सुंदरम। त्यार बाद पिता पुरुषोत्तम दास लोहार, उपनाम जोयुं आपणे क्या क्या है? तो के सुंदरम, मरीची, त्रिशूल, कोया भगत, गांधी युगना मूर्धन्य कवि, बंसी बोलना कवि, तपोगिरीना कवि, त्रिशूल उपनाम याद रखजो। खास करीने आ मैं तमने कीधुं एम जे त्रिशूल उपनाम छे ते त्रिशूलना उपनामे टूंकी वार्ता लखे, एटले आपणा माटे अगत्यनुं बने के टूंकी वार्ता त्रिभुवन दास पुरुषोत्तम दास लोहार क्या उपनाम में लिखी, तो आपने खबर होगी जो क्या उपनाम है? तो के त्रिशूल ना उपनाम है। तो के सुंदरम ना उपनाम थी सौ प्रथम बारडोली नु काव्य लिखो, आपने खबर बारडोली सत्याग्रह करे थियो तो 1928, बराबर, जेमा आपने कोण मेड़ा था? सरदार, बरोबर वल्लभ भाई पटेल ना नाम ऊपर दिसो भाई ने किलो तो आता भाई हमारा सरदार से। क्या बात जोई आपने? तो के सुंदरम उपनाम सत्यना प्रयोगो माथी लीधु, तो याद रखजो त्रिभुवन दास पुरुषोत्तम दास लोहारे तेमनु सुंदरम उपनाम रियो ई क्याथी लीधु तू? तो के सत्यना प्रयोगो माथी, गांधीजी साथे पण सारा એવા સંબંધો ધરાવે છે। ત્યાર બાદ કોયા ભગતના ઉપનામે कविता वाणी कविता पण लखेली। गुजराती साहित्य परिषद ना प्रमुख पदे थी तपोगिरी ने आनंद यात्रा नामे शुं आप्युं हतुं? एक व्याख्यान पण आप्युं हतुं, एक प्रवचन पण आप्युं हतुं। त्यारबाद कोया भगतनी कड़वी वाणी ते तेमनो प्रथम काव्य संग्रह, याद राखवानो छे आ आईएमपी है, बरोबर कोया भगतनी कड़वी वाणी ते तमनो शुं है? काव्य संग्रह। अने त्रिशूल ना उपनामे बराबर टूंकी वार्ता लिखी थी, आ बंने बाबत खास याद रखवानी। अने सुंदरम उपनामे सौप्रथम बारडोली काव्य लिखू हतो, तो यो कोया भगत नी कड़वी वाणी प्रथम काव्य संग्रह। त्यारबाद पुरस्कारो क्या क्या मेळ्या तई जोई? तो के रणजीतराम सुवर्ण चंद्रक मेळ्यो तो 1934 मां काव्य मंगला माटे, नर्मद सुवर्ण चंद्रक मेळ्यो तो 1935 मां यात्रा माटे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मळेलो है, महिडा पारितोषिक मळेलो है, ताना तारा रिवी तारा गौरी रोम्य चंद्रक पण याद राखजो अगत्यनो है, तारा रिवी रोम्य चंद्रक टिक करनाजो तमारा नोट में, केम के गांधीजी ना हस्ते मळेलो, बराबर, तो आपणा माटे अगत्यनो थई जाय। तो मित्रों आ आपणे त्रिभुवन दास लोहारनो पार्ट वन जोयो, આગળ આપણે જોઈ પાર્ટ ટુ, પહેલા ક્વિક રિવાઇઝ કરી લઈ। જન્મ થાય 1908 માં, 1991 માં અવસાન થાય મિયા દાતાર ભરૂચ, પિતા પુરુષોત્તમ દાસ લોહાર, ઉપનામ સુંદરમ, મરીચી, ત્રિશુલ, કોયા ભગત, ગાંધી યુગના મૂર્ધન્ય કવિ, બંસી બોલના કવિ, તપો ગ્રીના કવિ અને ત્રિશુલ ઉપનામે ટૂંકી વાર્તા લેખી, સુંદરમ ઉપનામે બાળ ડોલીનો વ્યાકરણ નામનું કાવ્ય લેખું અને સુંદરમ ઉપનામ સત્યના પ્રયોગોમાંથી લીધું હતું, ને કોયા ભગત ઉપનામે કવિતા વાણી કવિતા લેખી। ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ દે તપોગિરીની આનંદ યાત્રાનું વ્યાખ્યાન પણ આપ્યું હતું।
કોયા ભગતની કડવી વાણી પ્રથમ કાવ્ય સંગ્રહ પુરસ્કાર રણજીત રામ સુવર્ણચંદ્ર નર્મદ સુવર્ણચંદ્ર સાહિત્ય અકાદમી મહિડા પારિતોષિક અને તારા ગોરી. તો મિત્રો આ આપણે જોયો આપણા ત્રિભુવન દાસ પુરુષોત્તમ દાસ લુહારનો પાર્ટ વન. જોઈએ આપણે આગળ પાર્ટ ટુ બરોબર.